इस धरती पर जहाँ अनेक महिलाओं के उत्पन्न के केस दर्ज होते हैं। स्वागत है आपका उस धरती पर जहाँ हर घर में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो और से कहता है कि अपने सपनों के साथ समझौता कर ले। समझौता किस चीज का समझौता? एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि लड़कियां किसी से कम नहीं और अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएगी कि इस दुनिया को लड़कियां किसी से कम नहीं और इस समाज को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। पापा मुझे MBA करके विदेश जाना है। MBA? जरूर जाओ। पापा मुझे भी MBA करके अब्रॉड जाना है। MBA? क्यों करने में नहीं? MBA करने में 40 लाख रुपए का खर्चा आएगा। आएगा। कुछ सालों बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। जाएगी। शादी में तुम्हें दहेज देना पड़ेगा। पड़ेगा। जब बात ही तुम्हारी शादी की आएगी तो छोड़ो पढ़ाई और करो शादी। ओहो मैडम है, कॉलेज में नहीं हो क्या? अपना नाम तो बताते जाओ। शर्म नहीं है क्या तुम्हें? तुमने थप्पड़ मारा, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुमने थप्पड़ मारा था, तुम्हारे साथ यही होना है। कुछ बोल रहे नहीं ना, तालियां बजाइए, खुश होइए। क्या हुआ, लड़की के साथ अपराध? कोई बात नहीं, ये तो हमारा समाज है और यही समाज की सोच है। हम क्या सोचते हैं मैं बताती हूँ। मोर्चा करना हो, आंदोलन करना हो, हड़ताल करना हो, एक के साथ हजारों इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों? स्पोर्ट चाहिए भाई, अच्छा काम करे स्पोर्ट तो बढ़िया बात है। लेकिन अगर वही अगर किसी लड़के को किसी की जरूरत हो, उसे हेल्प की चाहिए, तो कोई नहीं इकट्ठा होता। क्यों नहीं होता बताइए? नहीं बता सकते ना? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि हम क्यों फंसे ऐसे झंझट में। हमारी बहन और हमारी माँ सुरक्षित है ना अपने घर पे, बस छोड़िए। दूसरों की बहन से हमें क्या लेना देना। लेकिन ये सोच गलत है। हो सकता है आज ये लड़की है, कल इसकी जगह आपकी माँ हो सकती है, आपकी हो सकता है बहन भी हो, लेकिन नहीं, हमें नहीं बदलना। हमारी मम्मी, हमारे बहन सुरक्षित है, बस छोड़ो। लेकिन ये सोच हमें बदलनी होगी। हमें जरूरी है कि लड़का गलत हो। लड़कियों को अगर लड़कियां भी इसी राह पे चल रही है तो उनके घर पे जाइए, उनके परिजनों से बात कीजिए, लड़की से बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि वह सही रास्ते पे चले और अपने मम्मी पापा का, अपने परिजनों का, अपने घर वालों का, टीचर्स का, सबका नाम रोशन करे। ये हमें करना ही चाहिए। चलो बच्चे बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? एक एक करके बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? आर्यस। तुम क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। अरे पूनम तुम क्या बनना चाहते हो? मैं बड़े होकर अपने भाई की तरह लड़का बनना चाहती हूँ। लड़का? क्यों बनना है तुम्हें लड़का? देखिए मैम, हमारा भाई है वो देखिए हर तरह से इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी से पढ़ सकता है, लिख सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अपनी स्टडी कम्प्लीट कर सकता है, जॉब कर सकता है। लेकिन मैं, मेरी दादी माँ कहती है कि तुम कुछ नहीं करना, तुम्हें पढ़ाई भी नहीं करनी, सिर्फ तुम घर के काम काज करो। अब देखिए मैम, मेरी दादी कहती है कि तुम्हारे पापा सुबह से शाम इसीलिए कमाते हैं क्योंकि तुम्हारी शादी करनी है, दहेज देना है और तुम्हें अगले दिन घर भेजना है। अगर मैं खुद इंडिपेंडेंट